धमकी मत दीजिए। क्यों ना धमकी दे? धमकी मत दीजिए। क्यों ना धमकी दे? दीजिएगा धमकी। मेरा नाम कुलदीप यादव है। ये मोदी किस खेत की मूली है? प्रधानमंत्री को 2024 में मैं चाहे साम दाम दंड भेद से मैं खत्म कर दूंगा, इसको उतार के फेंकूंगा। उस मोदी की बात करते हो जो बेटी कहकर उनको 36 दिन न्याय के लिए सड़कों पे बैठा थे, और जब चुनाव आता है ये पाकिस्तान वालों को पैसा दे देता है और उधर से हमारे 10 सैनिकों को मरवा देता है, आईडीएस से भेज देता है। मोदी नहीं था तो क्या कोई जिंदे नहीं था? आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? अरे ऐसे हिंदू राष्ट्र की ऐसी की तैसी झोला लेके आया था ना, हम इसका झोला भी छीन लेंगे क्योंकि ये झूठा है। मैं मोदी का विरोध करूंगा, क्यों करूंगा ये भी जान लो। नहीं मालूम था, मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि ये धोखेबाज सरकार, बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी। गर्व करो मोदी सरकार पे आप। अरे गर्व करता था लेकिन अब आंखें खुल गई है। अंधभक्त हिंदू मत बनो, गोदी मीडिया मत कहा करो, गोदी मोदी मीडिया कहा करो। मैं कसम खाता हूँ कि प्रधानमंत्री को 2024 में मैं चाहे साम दाम दंड भेद से मैं खत्म कर दूंगा, इसको उतार के फेंकूंगा। अगर जो झोला लेके आया था ना, हम इसका झोला भी छीन लेंगे क्योंकि ये झूठा है। इसने जो भी बातें किया कि बेटी बचाओ, बेटी देश के पिता है, पिता सम्मान है। अरे गधे लोग बोलते हैं, जितने गधे हैं ना जिनको कुछ पता नहीं वो बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सेलम, कर्नाटका, चेन्नई, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, कलकत्ता, बिहार, दिल और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मैं सब जगह भ्रमण करता हूँ। मैं लेबर सेल का अध्यक्ष हूँ। मैंने देखा है हमारे गरीब भाई किस तरह से कंपनियों में गुलामों की तरह भगवान लपेटता हूँ। मैं हिंदू हूँ, कुलदीप यादव मेरा नाम है, श्रीमद् भागवत का अध्याय करता हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ। भगवान हमसे है, हम उनसे नहीं है। तो आप मोदी भक्त को हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं मोदी का विरोध करूंगा, क्यों करूंगा ये भी जान लो। जो अपनी बेटी का चीरहरण होते हुए देखे, उस मोदी की बात करते हो तुम? उस मोदी की बात करते हो जो बेटी का कर उनको 36 दिन न्याय के लिए सड़कों पे बैठा थे? राजनीति कर रही है एक्स मोदी भक्त, वो राजनीति कर रही है। अरे मेरी बात सुनो आप, वो राजनीति नहीं कर रही है, वो न्याय मांग रही है। वहाँ पे मैंने देखा बोल रहे हैं कि राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही है। अरे जमीर जिंदा हो, हिंदू के जितने अगुवाई हो या किसी भी धर्म के अगुवाई हो, उनके लिए आगे बढ़े और उन बेटियों को। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? अरे ऐसे हिंदू राष्ट्र की ऐसी की तैसी, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र हमें राम राज्य चाहिए। तो गजवा हिंद चाहते हैं आप? गजवा हिंद चाहते हैं भैया? जहाँ सबका सम्मान हो, जहाँ सबका मान हो, जहाँ सबको सम्मान मिले, जहाँ न्याय एक बराबर हो, मुझे उस भारत का जो संविधान है उस पे विश्वास है। मुझे इस मोदी पे विश्वास नहीं है आपको? अरे मोदी के ऊपर विश्वास करके तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को दो बार तो भैया नहीं मालूम था। मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि ये धोखेबाज सरकार, बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, जितने भी रेपिस्ट है, धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण सरस सिंह, कुलदीप सिंह, मैं कितने लोग अभी तक लगता है आपको राशन का जो है मतलब वो मिला नहीं है आपको, इसलिए नाराज है? क्या नहीं मिला? सरकार जो राशन दे रही है। अरे हम किसान है, हम सरकार को खिलाते हैं, सरकार हमको खिलाएगी? सरकार की औकात है हमको खिलाएगी? हम सरकार को बनाते हैं, हम सरकार को खिलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को खिलाते हैं किसान के। मोदी जी की वजह से आप जिंदा है, बात कर रहे हैं? अरे मोदी नहीं था तो क्या कोई जिंदे नहीं थे? हमारे दादा, हम अपने खानदान की बात नाम बता देते हैं आपको, ठीक है? हमारे दादा का नाम श्री रामदास यादव था, मेरे पिता का नाम रामजीत यादव है, मेरा नाम कुलदीप यादव है। ये मोदी किस खेत की मूली है? मोदी है, मोदी तो किस खेत है? की मूली है? मोदी मोदी है। 2024 में देश में पूरे दुनिया में डंका बजता है। 2024 में सुनिए मेरी बात, बोलिए। मैंने बता दूं आपको, 2024 में अब हमने देख लिया है हमारी बेटियों का जो इतने गोल्ड मेडल ऊपर बैठी विश्व में नाम की, उनको जब सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाटे जा रहे हैं, वो तिरंगा लेकर तिरंगे पे पैर रखा जा रहा है, उस मोदी की बात कर रहे हैं? आज हमारा हृदय फट रहा है। अगर इस देश में संविधान ना होता तो हम दूसरा महाभारत भी आज खोल देते।
धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए, क्यों ना धमकी दे, धमकी मत दीजिए, क्यों ना धमकी, नहीं दीजिएगा धमकी, हम शस्त्र नहीं उठाए तो पूरा करोड़ों का नाश कर दिए मोदी, और अब हम कलम, मोदी जी को धमकी नहीं, मोदी जी को धमकी नहीं, अरे सुनिए मेरी मैं, जेल में डाल दिया जाएगा, डाल देना, कल तो डाल दिए थे, बहनों के सम्मान में था, कल तो डाल दिए, क्या आप कर, छाती चौड़ा करके लोग चलते हैं मोदी जी की वजह से, बात करते हैं नाप लो अगर उनका कितना बताते हैं, छप्पन छप्पन यदुवंशियों का सीना, यदुवंशियों का सीना ना छप्पन नहीं 101 होता है। अच्छा लालू यादव क्या आप लगता है वहाँ से आपको मिला है कुछ लालू यादव? हाँ बहुत मिला है यादव जी, मुझे लालू यादव से सिर्फ ये मिला है कि हक के लिए लड़ना सीख जाओ, मुलायम सिंह से ये मिला है हक के लिए लड़ना सीख जाओ। हम ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिसका सम्मान करता हूं, लेकिन आप अगर कोई सबसे झूठा, हम मोदी जी से ये नहीं सीखे कि पाकिस्तान की तरफ आप घूर के देखना सीख जाओ। पाकिस्तान हमने तो दो बार धोखा खा लिया, हम किसान के बेटे, हमारे भाई लोग बॉर्डर पे हैं, और जब चुनाव आता है ये पाकिस्तान वालों को पैसा दे देता है और उधर से हमारे 10 सैनिकों को मरवा देता है, IDF से भेज देता है। कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर? अरे हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, फांसी दे देगा, भगत सिंह फांसी चढ़े, चंद्रशेखर आजाद गोली अपने आप को मार लिए, झांसी वाली रानी बोलती थी पूर्ण स्वाधीनता संपूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, तो वीर सावरकर भी तो यातनाएं सहे हैं, सब सहे, हम कहा उनका अपमान कर रहे हैं, जिसने देश के लिए क्रांति लाया, जिसने देश को जगाया, मैं उसको सम्मान देता हूं, और प्रधान मोदी जी को भी सम्मान दीजिए, उसने भी देश को जगा दिया, मोदी ने देश को कंगाल कर दिया, सिर्फ अडानी अंबानी को ही बनाने का काम, उद्योगपतियों को जितने भ्रष्ट थे उनको ऊपर उठाने का, गरीबों को तो कुचल दिया है। गर्व करो मोदी सरकार पे आप। अरे गर्व करता था लेकिन अब आंखें खुल गई है, और मैं हिंदुस्तान की जनता से बोलता हूँ कि अंधभक्त हिंदू मत बनो, एक बार अगर पैसा ना हो मुझे बता देना, नंबर दे देना, मैं पैसा दे दूंगा, फंडिंग देंगे, मैं पैसा दूंगा अपनी कमाई से, मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। कांग्रेस से फंडिंग लेके आए हैं तभी बोले इतना कॉन्फिडेंस। अरे कांग्रेस के हम क्यों कांग्रेस से फंडिंग वंडिंग ले, कांग्रेस के हम क्यों कांग्रेस के, हम जो सत्य है वही बात करते हैं। कल कहाँ बैठे थे, कल भी हम ऐसे चौड़े हो रहे थे, कल हमको 50 किलोमीटर जंतर मंतर धरती पर से ले जाया गया, लेकिन आज भी हम चौड़े हैं। और आज आपको बता देना चाहता हूँ, एक हमारे बजरंग पुनिया जी है जी, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया, उनको एक एमसी अध्याना क्या नाम है उसका, पूर्व पुलिस अध्यक्ष है, वो बोलता है कि तुम सबको कचरे की तरह हटा दिया, तुम सबको कचरे की तरह हटा दिया, ज्यादा बोलोगे तो इनकाउंटर करवा दूंगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप पे देश का संविधान जिंदा है। अस्थाना जी एक आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको अपनी वाणी का संयम रख के बोलना चाहिए। गोदी मीडिया क्या है ये? एक गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की मीडिया कहा करो, गोदी मीडिया मत कहा करो, गोदी मोदी मीडिया कहा करो, ठीक है, मोदी मीडिया है, इन्होंने खरीद लिया है, और जो मोदी जी बोलेंगे बार बार, आप देखो फीता काट रहे हैं, ये देखो ये कर रहे हैं, वो विदेशों में गए, ये करती है, सच्चाई दिखाती है, वो सच्चाई दिखाती है, वो अपने बापू से पूछती है, मोदी जी से, बापू जी क्या दिखाएं, तो बापू जो बोलते हैं वो करती है, ठीक है, जो बोल रहा है फंडिंग वो लेती है गोदी मीडिया, हम फंडिंग लेते नहीं है, क्योंकि ये सत्य की बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ, वो भी देश की बात करते हैं, अरे देश की बात करते हैं, गरीबों को, एससी ओबीसी दबे कुचलों को, हमने जब उनको लाया बोलते थे कि मैं एक गरीब परिवार से आया हूँ, मैंने उनको, हमारे देश के लोग इमोशनली ज्यादा हो जाते हैं, उन्होंने वोट देने का काम किया, और आज जब उनको दो बार प्रधानमंत्री बना दिया गया, एक बार हमने सोचा चलो अभी इनको कुछ नहीं समझ में आया दोबारा करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे किसानों को 1.5 साल दिल्ली में बैठा के हमारे 700 किसानों को मार दिया, अब हमारे देश की बेटियां बैठी हैं, देश के फौजी बैठे। अरे एक बात बताएं, सुन लीजिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अब हम थोड़ा आपको महाभारत काल में ले चलना चाहते हैं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अब ये सत्य धर्म और अधर्म आंदोलनकारियों को घर छोड़ाई, आंदोलनकारियों को घर नहीं छोड़ाई, आंदोलन और तगड़ा होगा।